नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका रुझान अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में देखना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसे आपको पता है कि ये जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक पावर, इसमें क्या है कि हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दो कंपोनेंट, मतलब दो सिस्टम है जिसके ऊपर आपको पूरा ये सब्जेक्ट कवर होता है। तो हर एक सिस्टम के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इस वीडियो में देखते हैं हाइड्रोलिक के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेज है। तो पहले एडवांटेज कवर कर लेते हैं। एडवांटेज में फर्स्ट है 700 बार। ये जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ये अप टू 700 बार तक आपका क्या करती है, प्रेशर जनरेट करती है। इसके लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ कहाँ होता है, क्रेन में होता है, वेट लिफ्ट करने में होता है। उसके बाद जहाँ पे आपका पावर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आप हाइड्रोलिक का यूज़ करते हैं, जैसे एक्सकेवेटर से। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम ऐसी नहीं है कि जो अप टू 700 बार का क्या करेगी, प्रेशर जनरेट कर सकती है। तो दिस इज़ द ओनली सोर्स वी कैन यूज़ फॉर हायर पावर जनरेशन। उसके बाद है वेट टू पावर रेशियो। वेट टू पावर रेशियो मतलब क्या कि हाइड्रोलिक सिस्टम का वेट कम रहता है लेकिन वो जो पावर जनरेट करता है वो ज़्यादा रहता है। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रिकल का मोटर डिज़ाइन किया है, उसका वेट कितना रहेगा, 8.5 kg पर किलोवाट है। लेकिन अगर वही मैंने हाइड्रोलिक का मोटर डिज़ाइन किया तो उसका वेट कितना रहेगा, 0.85 kg पर किलोवाट रहेगा। मतलब वेट कम है लेकिन पावर आपको ज़्यादा मिलता है। फिर उसके बाद है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जैसे आपको पता है कि CNC BMC में क्या होता है, हाइड्रोलिक मोटर रहती है, वो क्या कर सकते हो आप, CNC का स्पिंडल क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो। बाकी ऐसी कोई सिस्टम नहीं कि जिसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे सकोगे। तो ये इसका एडवांटेज है। उसके बाद है सेल्फ लुब्रिकेटिंग। जैसे आपको पता है कि कोई भी अगर मशीन है जहाँ पे रोटेटिंग पार्ट्स है, आपको क्या करना पड़ता है, ऑयलिंग, ग्रीसिंग या मेंटेनेंस करना पड़ता है, लुब्रिकेशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे क्या, खुद पूरी सिस्टम में ऑयल रोटेट होता रहता है तो इसलिए आपको अलग से लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद पावर सोर्स लोकेशन। जैसे इसका जो पावर सोर्स रहता है, जो मोटर होती है, जो हाइड्रोलिक पावर पैक होता है, जो आपका एंड यूज़ है, वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हो, दूरी पे रह सकते हो। इसलिए आपका जो मैकेनिज्म रहेगा वो क्या हो सकता है, कॉम्पैक्ट हो सकता है। उसके बाद FR less मतलब क्या, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस लेस है इसमें। उसके बाद नॉइज एंड वाइब्रेशन लेस है। नॉइज एंड वाइब्रेशन क्यों लेस है, क्योंकि हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या है, आपको जो पार्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हैं वो क्लोज प्रिसीजन में मैन्युफैक्चर होते हैं, इसके वजह से वो क्या होता है, नॉइज एंड वाइब्रेशन क्या करते हैं, कम करते हैं। उसके बाद है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ईजी। हाइड्रोलिक सिस्टम में आपका जो आप प्लम्बिंग करके लेके जा रहे हो उसमें आप, इसका डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज ईजी है। जैसे बाकी मैकेनिकल सिस्टम में क्या होते हैं, लिंकेजेस वगैरह आपको यूज़ करना पड़ता है। फिर उसके बाद है ओवरलोड। अगर आपकी हाइड्रोलिक सिस्टम ओवरलोड होती है तो वो क्या हो जाती है, रुक जाती है, और लेकिन आपने लोड रिमूव किया तो वो वापस से स्टार्ट भी वहीं से हो जाती है। उसके बाद नो लिंकेज नो ब्रेकडाउन। अभी यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल होज यूज़ कर सकते हो, नहीं तो रिजिड पाइप यूज़ कर सकते हो। इसके वजह से क्या है, लिंकेजेस कुछ नहीं है। अगर लिंकेजेस कुछ नहीं है तो आपका ब्रेकडाउन नहीं होगा और आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा। ये इतने क्या थे, टोटल आपके एडवांटेज थे। आपको बस इतने एक वर्ड्स याद रखना है और उसके हिसाब से आपको एग्ज़ाम में लिखना है। अभी बढ़ते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज में कैसा, पहला ही आपका ये जो है, ये क्या है, प्रिसीजन पार्ट्स। मैंने जैसे पहले भी कहा आपको कि हाइड्रोलिक में क्या होता है, आपको हाई प्रेशर डेवलप करना है, इसलिए आपके पार्ट्स क्या होते हैं, एकदम प्रिसाइजली मैन्युफैक्चर होते हैं। जैसे आपको मेट्रोलॉजी में पता है कि जैसे जैसे आपकी टॉलरेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी क्या होती है, कॉस्ट बढ़ती है। तो इसका ये डिसएडवांटेज है, तो प्रिसाइज पार्ट है तो कॉस्ट ज़्यादा है। फिर उसके बाद लीकेज, हेवी प्रेशर ड्रॉप। लीकेज हेवी प्रेशर ड्रॉप मतलब क्या, अगर आपके सिस्टम में थोड़ा भी लीकेज है तो वो क्या होता है, वहाँ पे हेवी प्रेशर ड्रॉप होता है और आपका जो एंड यूज़ है आपको वो नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद ऑयल लीकेज होता है तो वो क्या होता है, वहाँ पे ऑयल जमा होगा, वहाँ पे धूल आएगी, बाकी के सब होगा, तो वहाँ पे डर्टी इन्वायरमेंट हो जाता है ऑयल लीकेज के वजह से। अगर आपका ऑयल पेट्रोलियम बेस्ड है तो क्या हो सकता है, किसी कंपनी में अगर कोई हॉट जॉब है, फोर्जिंग इंडस्ट्री में आप उसका हाइड्रोलिक का यूज़ कर रहे हो, तो ऑयल वहाँ पे अगर थोड़ा भी लीक हो गया तो वो क्या कर सकता है, मे कैच फायर। उसके बाद कोई कोई जगह पे क्या होता है कि आपका हाइड्रोलिक सिस्टम कोल्ड जगह पे यूज़ हो रहा है जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, तो ऑयल मे गेट फ्रीज। तो ऑयल फ्रीज ना हो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, अलग से हीटर्स का यूज़ करना पड़ता है।
फिर उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट, जैसे प्रिसीजन पार्ट्स है तो उसका मेंटेनेंस भी कैसा होता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है। उसके बाद स्लोअर स्पीड, हाइड्रोलिक का आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोलिक की जो स्पीड है वो कम है, लेकिन अगर आपको आपको प्रोडक्शन रेट ज़्यादा चाहिए तो आपका ये डिसएडवांटेज हो सकता है। उसके बाद सेफ्टी, सेफ्टी में क्या है कि अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम जहाँ पे यूज़ कर रहे हो, जो ऑपरेटर यूज़ कर रहा है, उसको प्रॉपर आपने ट्रेनिंग देना चाहिए, सेफ्टी के रूल्स बताना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी लीकेज होता है और फिर वो ऑपरेटर के अगर हाथ पे या उस पे जाता है तो इतना अगर प्रेशर रहेगा तो कुछ भी हो सकता है, तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसके वजह से क्या है कि ये इसका डिसएडवांटेज है। ये टोटल ऐसा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।